नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तमन्ना। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं ओके क्रेडिट में। कुछ ही दिनों की बात है और आने वाला है रमज़ान का त्यौहार। कहते हैं ना कि भारत जो है वो विविधता में एकता का एक देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए माना जाता है भारत। तो ऐसे में अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग त्यौहारों को मनाते हैं। और अगर बात करें रमज़ान की, तो रमज़ान का ये महीना, रमज़ान का ये त्यौहार मुस्लिम का बहुत ही प्रिय त्यौहार है और इस त्यौहार को बहुत ही शिद्दत के साथ वो लोग मनाते हैं। तो ऐसे में रमज़ान के दौरान भी कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो आपको मुनाफा दे सकते हैं। तो चलिए एक बार उन बिजनेस पर नज़र डालते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए बिना देर किए देखिए ये बिजनेस आइडियाज। कौन कौन से बिजनेस आप रमज़ान में कर सकते हैं शुरू? रोज़मर्रा की ज़रूरत वाले ये बिजनेस बहुत ही आसान और कम लागत वाले हैं। इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप इनमें से कौन से बिजनेस आसानी से अपनी क्षमता के हिसाब से शुरू कर सकते हैं। इस तरह के बिजनेस की लंबी लिस्ट है, जैसे सहरी और इफ्तार में काम आने वाले खजूर, केला, सेब, तरबूज, खरबूजा, आम, सब्जियां, कपड़े, ज्वेलरी, ईद के गिफ्ट, गिफ्ट कार्ड, बेकरी का सामान, सहरी और इफ्तार की दावत का प्रबंध करने का बिजनेस आदि। इसके अलावा और भी कई छोटे मोटे बिजनेस हैं। इनमें फ्रेश कोल्ड ड्रिंक तैयार करना, जानमाज आदि इबादत में काम आने वाले सामान के बिजनेस भी शामिल हैं। फ्रूट्स और ड्रिंक्स, गर्मियों के मौसम में पड़ने वाले रमज़ान महीने में फ्रूट्स और हेल्दी कोल्ड ड्रिंक्स की ज़बरदस्त डिमांड रहती है। आदमी जब दिन भर उपवास के बाद रोज़ा खोलता है तो उसे सबसे पहले फल की ज़रूरत होती है। पिंड खजूर से रोज़ा खोलने को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए लोग खुद और अपने आसपास के रोज़ेदारों को ये पिंड खजूर देकर उनका रोज़ा खुलवाते हैं। इससे उन्हें बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। इसके बाद रोज़ेदार दिन भर प्यासा रहने के कारण तुरंत ही पीने की चीज़ें तलाशता है। रमज़ान के दिनों में शरीर को पूरी एनर्जी देने के लिए हर वर्ग का व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार फल अवश्य खरीदता है, चाहे वो सस्ते ही फल क्यों न खरीदे। इसलिए इसका बिजनेस आसानी से चल सकता है। इफ्तार और डिनर का बंदोबस्त, रमज़ान माह में मुस्लिम्स में रोज़ा इफ्तार पार्टी का खूब प्रचलन है। इसमें शहर के मुअज्जिन लोग भारी संख्या में रहते हैं। रोज़ा इफ्तार की पार्टी में इफ्तार शाम के समय होने वाले नाश्ते को कहते हैं और रात के खाने को डिनर कहते हैं। ये रोज़ा इफ्तार पार्टी मुस्लिम समुदाय में सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हर कोई अपनी पार्टी को सबसे शानदार करना चाहता है, लेकिन रोज़ेदार इस पार्टी का भारी भरकम बंदोबस्त करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि कोई इसका इंतजाम कर दे। इस तरह की पार्टी को आयोजित करने के लिए टेंट, केटरर्स आदि की जरूरत रहती है। यदि एक बिजनेसमैन इन सभी तरह के बिजनेस करने वालों से संपर्क कर ले और एक पैकेज बनाकर बिजनेस करे तो उसको काफी फायदा होगा। रमजान और ईद गिफ्ट पैक। रमज़ान महीना जहाँ गुनाही की माफ़ी मांगने और दुआएं मांगने का पवित्र महीना है, वहीं इस रमज़ान में लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। हर कोई इस पाक महीने में अपनी खुशियों को प्रियजनों के साथ बांटना चाहता है। ऐसे में आप गिफ्ट शॉप खोल सकते हैं। तोहफों के रूप में दिए जाने वाले सामानों की लिस्ट बनाकर उन्हें थोक मार्केट से खरीद कर बेचने में काफ़ी लाभ मिलेगा। मिठाई, नमकीन और बेकरी आइटम। दिन भर की भूख, प्यास और शरीर इतना अधिक थक जाता है, कोई भी व्यक्ति दो टाइम का नाश्ता और दो टाइम का खाना नहीं बनाना चाहता। इसलिए रमज़ान में रोजे के दौरान घरों में दो टाइम का खाना तो बन जाता है, लेकिन नाश्ते का पूरा बंदोबस्त बाजार के आइटम से होता है। नाश्ते में काम आने वाली मिठाइयाँ, नमकीन और ब्रेड टोस्ट, रस्क, बिस्किट एवं अन्य बेकरी प्रोडक्ट की जबरदस्त मांग रहती है। शाम को इफ्तार से पहले आपको जगह जगह बेकरी प्रोडक्ट की बड़ी बड़ी दुकानें दिख जाएंगी। इनके अलावा मिठाई और नमकीन की दुकानों की भी संख्या काफी अधिक दिख जाएगी। इन सारी दुकानों में खरीदने वालों की भीड़ काफी दिखेगी। यहाँ तक कि कई कई दुकानों पर खरीदारों को अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ ग्राहकों की अपेक्षा दुकानों की कमी है और वहाँ पर इस तरह का बिजनेस आसानी से किया जा सकता है। तो देखा आपने कि किस तरह से आप रमज़ान के मौके को भी एक अच्छे से बिजनेस में एनकैश कर सकते हैं। और रमज़ान क्योंकि एक पावन मौका होता है अपनी अगेन, तो देखा आपने कि किस तरह से आप रमज़ान के मौके पर ये कुछ बिजनेस आइडियाज़ हैं, इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक बार फिर से कहूँगी कि ये उन लोगों के लिए बिजनेस आइडियाज़ बहुत काम कर सकते हैं जो ऑलरेडी किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है बिजनेस को करने की। और पैसा किसको बुरा लगता है, पैसा आता जाए तो अच्छा ही लगता है। ऐसे में आप त्योहारों के हिसाब से भी अपने बिजनेस को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए आपके लिए शुभकामनाएं और आपके बिजनेस के लिए शुभकामनाएं। आपके लिए त्योहार ढेर सारी खुशियां लेकर आए। नमस्कार। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।